शामली में शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते के खस्ता हालात को लेकर लोगों ने प्रदर्शन कर नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। आज महीने पूर्व बिजली ठेकेदार ने नगर पंचायत अध्यक्ष पति के साथ मिलकर लाखों रुपए का खंडजा बिना परमिशन के ही उखाड़ फेंका था। 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी नगर पंचायत द्वारा उखाड़ा गया खंडजा दोबारा नहीं लगाया गया, जबकि अंतिम यात्रा में लोगों को शव ले जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार है। ये जो शमशान घाट का रास्ता टूटा हुआ है, ये क्या पूरा मामला है? सर मामला तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे हुआ है। ये जो जमीन का मामला था विवादित बना रखी, इसको चेयरमैन ने आके और जो पूर्व चेयरमैन थे हमारे संजय शर्मा जी, उन्होंने भी हम लोगों से वादा किया था कि आपकी सड़कें बन जाएंगी और आपके शमशान की बाउंड्री करा देंगे, तो उन्होंने भी अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। जो फिलहाल चेयरमैन है यहाँ, चेयरमैन साहिबा हैं, बल्कि मौजूदा चेयरमैन है जो रफत परवीन जी, कोई भी कुछ कर ही नहीं रही इस रास्ते में। देख लो आप क्या हाल हो रहा है इस रास्ते का। हम बाकी अब कहाँ जाएँ, हम किसके पास कहें भाई, नगर पंचायत में कर सकते हैं बस बातें करते हैं लोग, बस पूरा कोई करता ही नहीं। क्या कभी इसकी शिकायत की? शिकायत क्या, काफ़ी बार कई बार गए भी हैं लोग बाग, उनके पास भी गए हैं, औरों के पास भी गए हैं, कोई सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। काफ़ी टाइम से रास्ता ऐसे ही पड़ा है सर। समंदर कुमार, ये शमशान घाट को लेकर आपकी क्या समस्या है? समस्या तो काफ़ी दिनों से है जी, समस्या तो कोई हल ही नहीं कर रहा जी। पहले जन संजय शर्मा जी आए तब हल नहीं हुई, सुरेश राणा जी को विधायक बनाया तब हल नहीं हुई। हमारे यहाँ से रास्ता इसकी एजेंसी की बराबर में था, होंडा वाली एजेंसी की बराबर में, उसमें पैसे खा करके हमारा सीधा रास्ता था, ये दूसरा हमको साइड में को रास्ता दे दिया, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया, तो हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। इतने दिनों से हम जाना फरियाद करते करते थक गए, आज हमने देखा हमारा मुर्दा यहाँ पर से आने लग रहा था, तो कहीं बुजुर्ग बेचारे पीछे ही गिर गए और उनका चोट भी लग गई, और काफ़ी चोट लगने से जाने बेचारे आज भी दवा दारू करवा रहे उसकी, और ऐसे ऐसे कैसे होगा जी। किस चीज़ को, किसको जिम्मेदार मानते हो आप इसमें? जिम्मेदार क्या, जो भी जने आते हैं हमारे यहाँ, कस्बा चेयरमैन आते हैं और जन विधायक साहब आते हैं, हम किन को दोषी माने, इन्हें दोषी मान सकते हैं जी, और किन को दोषी माने जी। इफ गरीब आदमी किसके पास मदद लेके जाएगा, इन्हीं के पास में लेके जाएगा। हमारा तो कोई मकसद हल नहीं हो रहा, 15 साल हो गए हम तड़पते हुए। सुरेश राणा जी ने यहाँ पर जाना अपना बिजली घर बनवाया और उसका जाना ले करके इनके अपने फायदे के लिए यहाँ को हमारी चकरोड़ फड़वा दी। तो क्या चाहते हो आप? हम तो यही चाहते हैं सर, हमारी बाउंड्री हो जाए और हमारे जाने इसकी मपाई हो जाए और हमारी ज़मीन पूरी मिले हमको और हमारे रास्ते की इनके सही सुविधा मिले बढ़िया तरीके से।